वी आर एट वर्ल्ड हाईएस्ट डोसा पॉइंट। ये स्प्लेंडर में गुरुडोंग मार करने वाले हैं। -4 डिग्री सेल्सियस। जो मेन टिस्टा का जो फॉर्मेशन होता है वो यहीं से होता है। सो ये आवाज़ सुनिएगा दोस्तों। टनल प्राइड ऑफ नॉर्थ सिक्किम। तो इस रीजन में जो सबसे बड़ा टनल है वो यहाँ पे, ये थिंग टनल। मैं तो फजर की नमाज और 2 रकात सलातुल हजरत के पढ़ के आ गया, और यहाँ पे तरुण, सोनम और पवन ने भी पूजा कर ली है, क्योंकि ये सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है। और अभी टाइम हो रहा है आपका 5:07। अभी वो सपोज टू लीव एट 4:30। एनीवेज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अबू हुरैरा एंड यू आर वॉचिंग HQ व्लॉग्स। सो ऊपर वाले के भरोसे, माँ बाप की दुआ और आप लोगों के प्यार के साथ वी हैव लेफ्ट फ्रॉम कर्शियोंग। और ये जो व्लॉग में आप चेहरे देखेंगे, सारे चेहरे कम से कम आप 1.5 साल के बाद देखेंगे। नवंग को पिक करना है अभी सोनादा से, वो सोनादा में हम थोड़ी देर सो जाते हैं, और जब सनराइज हो जाएगा सबके साथ इंट्रोडक्शन भी कराऊंगा। सो आई विल कैच यू एट सोनादा। ओके गाइस, सो मेरी टू सोनादा मे बी इन 15 मिनट्स। यार सुबह उठने का फ़ायदा ये है कि बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला लगभग 1 साल के बाद। सो नवंग इज हियर, और ये कोविड कोविड के चक्कर में नेपाल में फंस गया था ना, आ नहीं पाया, तो आज 1 साल के बाद इससे मिल रहे हैं। और सो तरुण इज हियर, देन प्लीज औ न भन्नु पर्दैन त एक एक गरेर। और काफ़ी ठंड है, 9 डिग्री सेल्सियस। कौन है, नाम बताओ यार अपना। मॉर्निंग गाइस। नाम क्या है तुम्हारा? सोनाम। सोनाम, यहाँ पे कौन पवन? आज हम लोग पहले मंगन जाएंगे, वहाँ पे जाके पास लेंगे, और पास लेके लाचुंग में रुकेंगे। लाचिन में रुकेंगे। और मैंने आप लोग को बताया नहीं कि वी विल बी कवरिंग नॉर्थ सिक्किम टुडे। इट्स आज हम लोग का प्लान है 4 दिन का, 4th, 5th, 6th और 7th को विल बी रिटर्निंग। और नवंग ने मांग ली विश। वी हैव रीच टिस्टा, और होपफुली कल हम लोग पहुँचेंगे, बहुत नज़दीक होंगे टिस्टा के सोर्स के। एंड प्लीज़ इग्नोर द फेस, नींद पहुँची नहीं है अच्छे से, ठंड काफ़ी है। वो दूसरे साइड में है जो दिख रहा है, वो है सिक्किम, और हम इस साइड हैं, ये है बंगाल। और ये जो बीच में रिवर है, टिस्टा रिवर, ये सेपरेट कर रही है 2 स्टेट्स। और ये जगह का नाम है मेली, जो उस साइड है। अगर आप सिक्किम आ रहे हैं तो आपको कोई कोविड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बिना रिपोर्ट्स के भी आप सिक्किम एंटर कर सकते हैं। और काफ़ी सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं, आप वो सिक्किम की ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हैं वो सारी चीज़ें। अरे भाई साहब, कितना बड़ा ट्रक। दिस इज डेवलपमेंट एरिया, आई थिंक दिस इज किरने बाजार वाला बोला। अब सिक्किम बॉर्डर इज नॉट वेरी फार फ्रॉम हियर, सो वी थॉट ऑफ स्टॉपिंग फॉर द ब्रेकफास्ट इन दिस एरिया। वी आर गोइंग एट शर्मा होटल, विच इज़ अ प्योर वेज होटल, क्योंकि सुबह सुबह तो आई डोंट थिंक कोई नॉन वेज खाएगा। पूरी सारे है ना, शेरे लीजिए के खाने हो, माथा भात खाने। व्यू कुछ ऐसा है यहाँ का, ये शायद सिक्किम के पहाड़ हैं सारे, और यहाँ पे बह रही है आपकी टिस्टा रिवर। और जो हम लोग जा रहे हैं गुरुडोंग मार से सिर्फ 4 किलोमीटर आगे है एक छोलामू लेक, और कहते नहीं वो है ही आपका टिस्टा का जो मेन सोर्स है, वो वहीं पे है। ब्लैक टी चीनी का और एक पानी, एक आई ना पानी तो आएगा, गर्म पानी वो आएगा नहीं। किस उठाएको सबै उठाएको पानी खाएको त न। ब्रेकफास्ट में है रोटी, दही, छोला, आलू और दाल, और ये शायद कुछ तो है चंद आपको एकदम मस्त। अब खाना खाने के बाद मिलते हैं। कैसा लगा ब्रेकफास्ट?
अच्छा था, बहुत अच्छा था ना। हाँ। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो वेट शर्मा लॉज, शर्मा होटल, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ से क्रॉस हो रहे हो, तो ब्रेकफास्ट या मील्स के लिए आप यहाँ पे रुकना, काफ़ी सस्ते दाम में भी और काफ़ी अच्छा क्वालिटी से लेके क्वांटिटी से लेके बहुत ही अच्छा मिला हम लोगों को ब्रेकफास्ट। मान लो सबको। ओके गाइस, हाँ सो जैसे आप हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं तो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, तो उसके लिए ये है डायमॉक्स टैबलेट्स। जैसे अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं तो ये 24 आवर्स या 48 आवर्स पहले आप कंज्यूम करना शुरू कर दो, सुबह और शाम। ये हेल्थ एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करना आप। मैंने तो ये कंज्यूम करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट किया था। इससे क्या होता है, कितनों को ऑल्टीट्यूड सिकनेस नहीं होती है और कितनों को होती है, तो हम लोग कोई चांस लेना नहीं चाहते। सो वील बी कंज्यूमिंग दिस डायमॉक्स टैबलेट्स। अरुण मिलेगा इस लॉन्डे का, अच्छे से ख्याल रखना है हम लोगों को इस लॉन्डे का। ओके गाइस, सो हम लोगों को बॉर्डर में ऐसा कोई कुछ भी नहीं हुआ, ना चेकिंग हुआ ना कुछ हुआ। एंड अगर आप सिक्किम आ रहे हो तो इट्स मैंडेटरी टू हैव ई पास या ट्रैवल कार्ड बोलते हैं, और वो ई पास आपको सिक्किम के ऑफिशियल टूरिस्ट वेबसाइट से मिल जाएगी, वो आपको जेनरेट करना होगा। किलोमीटर ये ब्रिज है आपका सिंगताम बाजार में। एंड आई स्टिल रिमेम्बर जो हम लोग लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ पे इमरान की बेनीली कितनी क्राउड को अट्रैक्ट कर रही थी। एंड आई एम श्योर अनमोल, अनुराग, इमरान, यू गाइज आर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई रियली मिस यू गाइज मैन। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लग रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे 99% लोग मास्क लगाए हुए हैं। तो वी टुक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर आफ्टर क्रॉसिंग द सिंगताम बाजार, और अभी टाइम हो रहा है 8:30। वी आर ऑन टाइम, कोई ज़्यादा देर नहीं हुआ हम लोगों को। एंड टिल नाउ सब कुछ अच्छे से हो रहा है, मज़ा आ रहा है। We are before time, so we are taking a little longer break over here. लेकिन यहाँ के पहाड़ में बहुत फर्क है यार, अपने बंगाल के पहाड़ छोटे साइज के, लेकिन यहाँ के पहाड़ कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मज़े तो पवन ही कर रहे हैं यहाँ पे। मज़ा नहीं आ रहा है तुझे? मज़े कर रहे हैं पवन, नहीं अबू कर रहा है इधर मज़े, सभी मज़े कर रहे हैं, पीछे बैठ के पूरा दे रहे। दवाई खाई थी उसकी वजह से सुसु बहुत आता है, तो मेक श्योर यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। व्हाट इफ यू डोंट ड्रिंक, देन योर लिवर इज गॉन। बने ना आप, पहले डेढ़ साल पहले गए थे हम लोग वेस्ट सिक्किम, लेकिन पूरा वेस्ट सिक्किम हम लोग ने एक्सप्लोर किया था, और होपफुली इस बार भी अगर वेदर ने हमारा साथ दिया तो पूरा नॉर्थ सिक्किम भी फाड़ के आएंगे। सुना हो गए, नाउ वी आर लिविंग, एंड जो गाड़ी है वो है अर्टिगा। तो वी हैव रीच मंगन एंड टाइम इज 11:20, एंड यस वी आर ऑन टाइम। और अगर आप आते हो गुरुडोंग मार जाने के लिए तो ये यहाँ का लास्ट जो आखिरी पेट्रोल पंप है वो यहीं पे मिले, यहीं यही है बस, उसके ऊपर जो आपको मिलता है लेकिन ब्लैक में मिलता है पेट्रोल, और जो क्वालिटी शायद आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए। बेहतर यही रहेगा कि आप यहाँ पे जेरी कैंस वगैरह भी मिल जाते हैं, अगर बाइक में आते हैं आप तो यहाँ पे जेरी कैंस मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप एक्स्ट्रा फ्यूल लेके जा सकते हैं। अगर आप कार वगैरह में आते हैं तो आई थिंक इट विल बी इनफ। ये स्प्लेंडर में गुरुडोंग मार करने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड पैशन। ये है ये पैशन, राइडिंग का जो पैशन है ना, तो यही चीज़ उसे होते हैं, यू डोंट नीड अ बिग बाइक टू टूर और टू फुलफिल योर पैशन। ओके गाइस, मैं सुनम मंगन बाजार की तरफ जा रहा है, क्योंकि पास बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो इसी बीच में बाजार भी एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा बहुत, और खाना वाना भी खाएंगे। बिल्कुल काफ़ी अच्छा खासा बड़ा बाज़ार है मंगन का। हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे तो ऊपर लग रहा था कि छोटा सा ही बाज़ार होगा, सो ऐसा नहीं है। तो नहीं, क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यों घूम रहे हैं हम लोग? थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा टाइम से जल्दी आ गए हैं इसीलिए, और पास के लिए भी इंतज़ार कर रहे हैं, आदमी गया हुआ है वो पास लेके आएगा, तो हम लोग बस मंगन टाउन घूम रहे हैं। टर्न विद द लंच, एंड हम लोग को अपना पास भी मिल गया,
लाचेन है, मंगन से लाचेन, गूगल दिखा रहा है 2 hours 15 minutes, तो देखते हैं आराम से जाएंगे, 3 घंटे तक शायद पहुंच जाएंगे, 5:04 or 5 विल बी इन लाचेन। तो अगर आपको पास मिल जाता है तो इसकी फ़ोटो कॉपीज आप ज़रूर कराइएगा, कम से कम 10 या 15, क्योंकि जितने भी चेक पोस्ट आते हैं वहाँ पर आपको इसकी फ़ोटो कॉपी सबमिट करनी होती है। और ये जितनी भी है यहाँ पे, ये सारी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक ग्रेन्स, मतलब जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी सारी ऑर्गेनिक ही होंगी यहाँ पे। अब लाचेन की ओर, थिंग टनल, प्राइड ऑफ नॉर्थ सिक्किम। तो इस रीजन में जो सबसे बड़ा टनल है वो यहाँ पे ये थिंग टनल, और काफ़ी लंबा टनल है। बाइक होता, सुपर बाइक होता तो कुछ अलग ही मज़ा आता। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं। ओके गाइस, सो देयर इज अ डैम बिलो जो अगर आपने देखा होगा, एंड द व्यू इज टू गुड, एंड ऑल्सो इट इज़ एन वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। अगर आप वो देखते हैं सामने, वो रिवर आ रही है लाचुन से, और ये सामने एक और रिवर आ रही है उस तरफ से, वो आ रही है लाचेन से, और ये दोनों कनेक्ट होने के बाद जो मेन तिस्ता का जो फॉर्मेशन होता है वो यहीं से होता है। सो इट इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग प्लेस। वही तिस्ता जो हम लोग नीचे देखते हैं कोरोनेशन के पास और दूसरी जगहों पर, वो सारा पानी यहाँ से जाता है। तो वी हैव रीच्ड लाचेन एंड वी आर एट लाचेन पुलिस स्टेशन, एंड इट इज़ ऑल्सो अ चेक पोस्ट। सो अब यहाँ पे हम लोगों को अपना एक पास दिखाना है, सबमिट करना है, और गाड़ी की एंट्री करवानी है, जहाँ पे मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आर्मी की प्राइवेसी हार्म कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे व्लॉग नहीं करूँगा। अदर देन दैट यहाँ पे हूँ। अंता भाई, क्या होती है मेरा नाम जी, क्या रे सोनाम चिगेल। सो एटमोसफियर ऐसा है यहाँ का, यहाँ पे भाई हाय होती ना बोलता हाय। यस ओके, सो नाउ वी आर लीविंग फॉर लाचेन। अब वहाँ पे जाके हम लोग को होटल ढूंढना है। ओके गाइस, सो हम लोग को होटल मिल गया, और होटल का नाम है पैरोन डी। जिस होटल में हम लोग लास्ट ईयर रुके थे वो सेम होटल है। दूसरा भी होटल मिल रहा था, उसमें 2 rooms थे, लेकिन हम लोग ने सोचा यार इतने दिनों के बाद गेट टुगेदर हुए, अलग अलग क्यूज हुए, तो ये रूम थोड़ा साइज भी बड़ा है, एक्स्ट्रा मैट्रेसेस सारी चीज़ें मिल गई, अब सब लोग साथ में सोएंगे, मज़ा होगा गेट टुगेदर। लिटिल टायरिंग डे, टायरिंग तो तरुण के लिए होगा, हम लोग के लिए कुछ टायरिंग नहीं था। सो गाइस, हाउ वाज द डे? All right guys, good morning. So this is the next morning, 5th of December. और यहाँ से आज हम लोग जाएंगे लाचुंग से गुरुडोंगमार, और काफ़ी ज़्यादा ठंड है, 1 degree Celsius, और रूम तो आपने रात में देखा था हम लोगों का, तो यहाँ पे मैट्रेस थी और एक मैट्रेस उस तरफ थी, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हम लोगों ने सारी मैट्रेस यहाँ नीचे लगा के सब लोग साथ में सोए। वी थॉट इट वुड बी अ लिटिल वार्मर। सो यस, दैट्स इट। ओके गाइस, समवेयर बिटवीन लाचेन एंड गुरुडोंगमार, एंड यू कैन सी द वेदर। Wow, I'm experiencing this kind of snow for the first time. Last time गुरुडोंगमार में ही करी थी, लेकिन वो ऐसे layers नहीं थे स्नो के, लेकिन आज आप देख सकते हैं, wow, it's very cold, -2 degree Celsius. गाड़ी में ज़्यादा ठंड लग रही है हवा लगने की वजह से, यहाँ पे तो फिर भी it is bearable. Okay guys, as you can see the weather is, temperature is too low, it's 3 degree Celsius, and there is a bad news that
द परमिट फॉर गुरु डोमार इज नॉट गिवन, गुरु डोमार जाने की परमिशन नहीं मिल रही है अब, क्योंकि बोल रहे हैं कि ये जो जितनी भी आप आइस देख रहे हैं अभी तो ये कच्ची है, लेकिन जब वापस होंगे हम 2-3 घंटे बाद ये पूरा शीशा टाइप का एकदम स्लीपरी होगा। सो यहीं से पास जहाँ पे आखिरी पास दिखाना पड़ता है यहाँ पे, इन्होंने बोला, इन्होंने आगे यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर जाने की परमिशन दी। सो नाउ वील बी रिटर्निंग टूवर्ड्स लाचुंग, वील हैव आवर ब्रेकफास्ट ओवर हियर इन द वर्ल्ड हाईएस्ट डोसा पॉइंट। ऑल दिस थिंग्स आर वेरी स्लीपरी मैन, हैव टू बी वेरी केयरफुल। पत्थर भी नहीं निकल रहा है। ये आवाज सुनिएगा दोस्तों, अब ये देखिए ये करेगा छेद, सोना पत्थर मत्ती फेंकना साले, ये फेंकना देखे होला ना, वो एन तल तल हेर्न आइस त्यो हवा 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 त्यो आइस साला। हम वो देखे पंजे नहीं है इसके, शेर के पंजे हैं, शेर के पंजे। ओके गाइस, सो जो वर्ल्ड हाईएस्ट डोसा पॉइंट था वहाँ से हम 2 किलोमीटर ऊपर आए, क्योंकि वहाँ की परमिशन थी 2 किलोमीटर ऊपर तक आ सकते हो। सो अगेन नाउ वी आर रिटर्निंग, कितना कितने कितनी स्नो है हम पो अरे तेजी चमो नाले क्लोज अरे छे चमो छे होली रे।